Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते सुदेवायों सनौ अवतु सनौ भुनक् सेव्यों करवावाहि ते जप्तिनौ अधीतमयस्तु सुजीता कर्तव्य कि मन शास्त्र स्त्री या स्वयं पद्मनाभत मुख पद्मात विनीकृतो जय भगवत गीते। बड़भागिन उपस्थित माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं असीम कृपा के फलस्वरूप इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में बड़े आदर भाव सत्कार पूर्वक हम लोग अपने ही कल्याणार्थ श्रवण करेंगे ये श्री गीता जी का अंतिम परंतु उच्च कोटि का मोक्ष संन्यास योग ज्ञान से भरपूर 18वां अध्याय। बोलो नहीं मेरी बेटी, अब सुने जरा बड़े ध्यान से। जब मैं शुरू कर दिया करो बस अपनी जबान को ताला लगा करके चाबी मेरे जेब में डाल दिया करे, बिल्कुल चुपचाप और शांति से मेरे साथ। आप ही का लाभ है मेरे बच्चों। 30वां श्लोक जारी है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभय बंध मोक्षं च यावेति बुद्धि सपात सात्विकी। हरि ओम तत् सत्। हरि ओम तत् सत्। हरि ओम तत् सत्। हजूर अनवर गुलफिशा हुए। संसार हो या परमार्थ, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, हर एक ने बुद्धि द्वारा ही पढ़ाई करनी है, बुद्धि द्वारा ही कमाई करनी है, बुद्धि द्वारा ही संसार का व्यवहार करना है। बुद्धि ना हो तो इंसान आजकल के वक्त तो किसी काम का नहीं। युक्ति ना हो, बुद्धि ना हो, दूरदर्शिता से काम ना ले, ऐसे ही चुस्त हो, सुस्त वजूद हो, लिल्लर से हो, बंद गोभी हो, अच्छे नहीं। ऐसे इंसानों को जमाना कुचल कर रख देता है। घरवाली अपने ऐसे पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आहा, ऐसे कोई दोस्त भी नहीं बनाना चाहता जो बस ऐसे ही है, बस पानी की तरह बहाव की तरह बहते जा रहे हैं। ऐसे को नहीं पसंद करता। नाक मुंह की नाक को कोई पसंद नहीं करता। जहां मर्जी मोड़ लिया, ना दीन ना ईमान, बस इनको बोलती है यस मैन। जैसे आपने कह दिया क्यों भाई, हाँ जी क्यों भाई, ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, क्यों जी। उनकी को अपनी बुद्धि नहीं होती, इस जमाने की उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है जो स्फूर्ति संपन्न है, जरूरत है जो सक्रिय है, जरूरत है जिनके चेहरे पर हर्ष उल्लास टपकता रहता है, जरूरत है जो सोचने विचारने वाले हैं, जरूरत है जो बड़े एक्टिव और स्मार्ट है। समय को उनकी बड़ी जरूरत है, चाहे नर हो या नारी। और भगवान के अनुयायी हम लोग तो लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से स्फूर्ति संपन्न होना ही चाहिए। तो ऐसे को मेरे भगवान आला बुद्धि का वरदान दे रही हूं। आला बुद्धि कौन सी, जो लोक प्रलोक दोनों बना के जाए। और इस समय प्रलोक की बातें तो बड़ी ओल्ड स्टोरी बन गई, आज देखा जाए तो लोक की बातें भी जीव अपना लोक भी बना के जाते हैं। प्रलोक तो मैं कह रहा हूं ना, बड़ी दूर की बातें है कि जीव प्रलोक बना के जाए या अपना अगला लोक बना के जाए, वो तो निहायत मुश्किल है। ये लोग भी यानी जो हमारे कर्तव्य कर्म है, हमारे ऑब्लिगेटरी एक्शंस है, वो भी नहीं बना के जाते। आगे तो कुछ और बात रह गई, ये भी नहीं बनता। तो भगवान की विशेष कृपा हो, हजूर की विशेष दया हो, तब के जाके जो मेरे हजूरी अनवर 30वें श्लोक में के माध्यम से फरमा रहे गए तब संपन्न होता है।
किन में मुझे प्रवृत्त होना है, किन से मुझे निवृत्त होना है, जीवन भर का सवाल हो गया। जब यो जीवन भर की एक लंबी यात्रा हो गई, उसके बाद हजूर ने कहा बुद्धि अब क्या काम करती है, कार्य कार्य, दिन भर मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, करना है क्या और ना करना है क्या, कार्य कार्य, डन एंड नॉट टू बी डन, ये दिन भर चौकसी। उसके बाद भय अभय, मुझे भगवान से भय और संसार से निर्भय हो जाते हैं। आप जैसे नेक जीव, आप जैसी नेक माताएं बिल्कुल संसार से निर्भय, फियरलेस, इंटायरली फियरलेस। ये कौन होती हैं? जो नेक जीव होते हैं, जो जिनके जिनके परलोक बनाना एकमात्र कर्तव्य रह जाता है, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परलोक बनाना, अपने आप को जुटाना लगाना, जिनके एकमात्र उद्देश्य है, वो नेक जीव। इसके बाद जब बुद्धि में इतने गुण आ जाते हैं तो आखिर में हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, बंधव मोक्षम चयावेति, जो ये जानती है बंध क्या है और मोक्ष क्या है, जिसे ये पता है कि लिबरेशन क्या है और साल्वेशन क्या है, जीव कैसे लिबरेट हो जाए और बॉन्डेज क्या है, और जीव बंधन में कैसे आता है। हमारे सरताज, हमारे जिंदगी गाइड फ्रेंड और फिलोसफर लॉर्ड कृष्ण अपने श्रीमुख से आप बुद्धि का सजनों और देवियों ये गुण बताने जा रहे हैं, बंध क्या है, आओ जरा इस पर विचार करें, फिर मोक्ष पर विचार करेंगे। बंधन क्या है, हमारा उच्च कोटि का वैदिक सनातन धर्म पुकार के कहता है, जब बंधन मैं और मेरी का, मैं और मेरी, एक तो अपने आप को शरीर के साथ व्यवस्था कर लेना, इसके साथ अटैचमेंट कर लेना, और इसके साथ फिर मेरी, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरे मकान, मेरा पलाना, मेरी ये चीजें, ये जड़ और चेतन पदार्थों को अपना मानते रहना, उनको अपना समझते रहना, ये जीव इसमें बंधन में आ जाता है। जन्म जन्म संस्कार पढ़ते रहते, उन्हीं का चिंतन चलता है, फिर भगवान का चिंतन नहीं चल सकता, कभी यहाँ का चिंतन, कभी वहां का चिंतन, कभी गुजरी बातों का चिंतन, कभी गुजर रहा है, कभी भविष्य के बारे में, उनके ख्यालों के घोड़े इधर उधर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो अपने आप को इधर उधर लगाते और खींचते रहते हैं, ये बंधन है। भगवान के शब्दों के साथ अगर और देखा जाए तो जो भी कर्म किया जाए कामना के साथ कर्म करते हैं वो बंधन है। हम, मैं और आप भुला ना पाएंगे भगवान के ये प्रतिदिन काम आने वाले अनमोल शब्द, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखें सदा। अगर हम भगवान अर्थ कर्म नहीं करते, अगर देखियो भगवान के प्रेम में फट कर, जैसे कि प्रभु नामे जय में कहा, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हमेशा कर्म कुर्बानी के लिए होता है, कर्म फॉर द सेक ऑफ, एक्शन फॉर द सेक ऑफ, हमेशा आप देखेंगे सजनों और देवियों, जब भी हम कर्म करेंगे फॉर द सेक ऑफ, किसी न किसी के लिए। अब इस जन्म में भगवान ने बख्शिश कर दी है और हमने कर्म करना है भगवान के प्रेम में भरकर, भगवान की मोहब्बत में भरकर, भगवान की भक्ति भाव में अपने आप को रखते हुए। जैसे कि भगवान, आप जैसे नेक जीव जिनको मेरे भगवान ने भक्ति बख्शी है, जिनको मेरे भगवान परलोक बनाना चाहते हैं, जिनके भगवान अपने लोक के फराइज को जल्दी जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं, उनको ही लाया जा रहा है। वही मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और नेक भाई भागे भागे आ रहे हैं, जो दोनों जहां बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये मेरे भगवान का आला और अनुपम उपदेश है। तो हम लोगों ने ये बार बार अपने मन में रखना है, तब कोई बंधन नहीं, कि मुझे अपने भगवान के प्रेम में भर के कार्य करना। जहां जहां भी भगवान ने हमें रखा उत्तम, जिस जिसका जो जो क्षेत्र है, हर एक के हमारा कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन अगर हम भाव ये बनाते हैं कि मुझे तो अपने मालिक को रिझानते हुए कर्म करता है, तो वो धर्म क्षेत्र बन जाता। याद रखिए मेरी देवियों, सजनों और मेरी माताओं, बेटियों और बुजुर्गों, वही धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा जब हमारी भावना बदली। कर्म कोई गंदा चंगा नहीं है, हम किस भावना के आधार पर हर कर्म किया जाते हैं, हमारा ट्रेंड ऑफ माइंड क्या है, हमारे अंदर का एंगल ऑफ विजन क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, कर्म अपने आप में नहीं देखा जाता, कर्म के बैकग्राउंड में हमारी फीलिंग, हमारी भावना देखी जाती है। कि भगवान ने इसके अंदर, जैसे हमने मुद्दे से सुन पा रहे गए, बड़ा क्लियर किया, बड़ा ही स्पष्टीकरण गीता जी के अंदर इसका आया है। कर्म होते रहे, बनता रहे, मैं देखूं मैं कर्म क्यों कर रहा हूं, मेरी कर्म करने की भावना क्या है। अब यही अगर हम भगवान की भावना लेके आए, अपने कल्याण की भावना लेके आए, तो ये बड़ा उत्तम कर्म माना जाता है, बहुत ही उत्तम कर्म, अति उत्तम कर्म। जब भगवान की भावना रख करके सत्संग किया जाए, जाप किया जाए, या जितने भी नेक कर्म है हजूर की भावना रख के किया जाए, वेरी गुड, जीव का सदा कल्याण ही कल्याण, सदा बेहतरी ही बेहतरी, सदा मंगल ही मंगल होता उसका। आइएगा, जब ये भाव हमारे मन में आता है, जब ये फीलिंग हमारे मन में जागृत हो जाती है, उसके बाद मेरे भगवान कहती हैं जीव बंधन से छूटने लग गया। बंधन के बारे में फिर क्लियर कर दूं, जब आप कर्म करने से पहले संकल्प विकल्प करेंगे, शाबाश,
कर्म करते बार पता नहीं क्या होने वाला है, इस कर्म का फल क्या मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ उसके अनुसार होना है कि नहीं होना, जो मैं करता हूँ इसके अनुसार अपने मेरी बात बिगड़ी बननी है कि नहीं बननी, ये बार बार इसके ऊपर बार बार इस पर संकल्प विकल्प होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, तब जाकर के जीव का बंधन है। और जब किया भगवान जो आपकी इच्छा करने के बाद जब मालिक पर छोड़ देती हम, बस फिर उसके कोई संस्कार नहीं। मालिक जितनी आपने बौद्धिक और शारीरिक शक्ति मुझे प्रदान की उसके आधार पर मैंने कर दिया, आप जानो आपका काम जाने, तब जीव बिल्कुल निश्चिंत होता है। मेरे नेक बुजुर्गों, बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बिल्कुल निश्चिंत, हर प्रकार की निश्चिंता उस पर आ जाती है, किसी प्रकार का फिक्र दामनगीर नहीं होता उसको, वो बिल्कुल प्रशांत रहता है। इस ये बंदरों से छूटता गया, जैसा दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, आपका मन शांत है, ना शांत होता आप कभी या तशरीफ लाते, आपको शांति नहीं मिलती, कभी भी दिल न करता इधर पैर रखने का, आप भाग जाते, दौड़ जाते। इतने वर्षों से जो आप लगातार आ रहे गए, शांति किसी को किसी हद सीमा तक, किसी को किसी रूप में मिलती जा रही, वरना जहां शांति हमारी बढ़ती नहीं है, दिल ही नहीं करता कि हम उधर जाए, उधर पैर रखें, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से अगर हमारा भगवान और कृपा करते जाए, हम अपने मन को और शांत करते जाए, था अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, लेकिन ये बात भूलते हुए नहीं, ये फल प्रकार मन में रखते हुए, क्या मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, यही महाराज जी का सहारा लेते हुए, भगवान जी के भावों में अपने आप को भरते हुए, जब किए जाता भर बेड़ा पाया, फिर कोई बंधन नहीं। तो भगवान ने प्रसंग क्या चलाया, बुद्धि वही आला है, बुद्धि वही मुसफा है, वही सोच संस्कृत है, वही विवेकिनी है या कल सलीम है, क्या जो जीव को बंधन से निकालती जा रही है, जो बंधन से छुड़ाती जा रही है। और क्या हम बंधन छूट रही है, भगवान ने जवाब दिया, अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं, संसार संबंधी थिंकिंग रीथिंकिंग कम होती जा रही है, तब तो बिल्कुल ठीक है। अगर संसार संबंधी संकल्प नहीं कम हो रहा है, तो फिर देखना चाहिए कहां भूल हो रही है, क्या मैं भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा। अगर महाराज जी के लिए कर्म कर, उसकी रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया लाजमी तौर पर प्रशांत होना चाहिए, मन की शांति होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड मस्ट बी अटेंड। अगर हम इस स्टैंड ऑफ माइंड में काम, उसका रिएक्शन बड़ा सुंदर पड़ता है, उसका रिएक्शन बहुत ही शांतिदायक होता है, यानी उसकी प्रतिक्रिया बड़ी शांतिदायक होती है। तो देखिए क्या बंधन से बच, अगर संकल्प कर छूटते जा रहे हैं, संकल्प छूटते जा रहे हैं, अगर हम कोई स्वार्थ रख के नहीं करेंगे, अगर कोई संसार की कामना की चोट खा के नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य समझते, मेरा कर्तव्य है माँ बाप बहन भाई इस उसके प्रति वो मैंने करना, इनके संकल्प कल्पना हो, हम इंसान मरता है जो बताया नहीं गया, कर्म भी करता है लेकिन उसको उनके संकल्प विकल्पों के घोड़े दौड़ाते हुए, क्या बनेगा, किस तरह होगा, ये काम पूरा होगा नहीं होगा, ये मेरा फर्ज पूरा होने वाला है या नहीं, ये हालांकि करना क्या चाहिए था, ये कर्म है मैं इसलिए जुट जाता हूं, आगे भगवान जाने। हमारा तकिया कलाम ये होना चाहिए था कि घर में हमारी गुर्बत है, ठीक है, दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, आगे मेरा भगवान जाने। उसके बारे में सोचना विचारना नहीं था, चलते फिरते उठते बैठते उसी के बारे में नहीं सोचना था, उसको दूर करने के साधन तो करने हैं लेकिन उसके संकल्प विकल्प करते हुए नहीं। मैं बीमार रहती हूँ, इलाज तो करना है लेकिन इसके बारे में सोचते हुए नहीं, जितना मेरा वक्त है मैं इलाज करा रही हूँ, जो भी कार्य अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको मैं डायग्नोज और प्रिस्क्रिप्शन हो रही है, बस आगे मेरे और बस की बात नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं। चिंतन तो हमने महाराज जी का करना था, पुरुषार्थ हमने इसे बोलते कर्तव्य कर्म या ऑब्लिगेटरी एक्शन, इसमें हमने अपने आप को लगा देना था, लेकिन जब मन ही इसके अंदर लगा देते हैं उसी के बारे में सोचना विचारना, बस फिर इंसान गया। फिर तो गया, भगवान ने स्पष्ट कहा है, लगाया जो महसूस अशिया से मन, तो क्या होता है, क्या हुआ, जाहिर हुई अकल आया जवाब, फिर तो जीव की अकल मारी जाती है, अकल पे पर्दे पड़ जाती है। जब संसार किसी विषय को लेकर चिंतन करने लग जाएगा, बार बार उस पर सोचेगा, मारा गया बुरी तरह, क्योंकि उसकी बुद्धि पर आवरण का मतलब फिर वो जान नहीं सकेगा तो क्या करना है और क्या नहीं करना, हजूर के अनुसार के करना है क्या और ना करना है क्या, नहीं समझ आएगी उसको। जो नहीं करना उसी में शब्दों में दिखलाएगा, जो करना है उसमें उसकी रुचि नहीं पैदा होगी। तो ये जरूर देखते हुए हजूर कहते हैं वो बुद्धि बड़ी मुसफा है, बहुत ही शानदार है, कौन सी बुद्धि, जो जीव को बंधन से निकालती है, जीव के संकल्प विकल्प कम करती जाती है, जीव से कर्म तो करवाती है, ऐसा तो हो नहीं सकता जीव कर्म ना करे, तो भगवान ने डिक्लेयर किया है, जहां मेरा देखोगे तुम एक पल के कोई भी पार गए, और बेअमल बेअमल तो कोई रह नहीं सकता, चूंकि संस्कार है हर एक के, हर एक में कोई ना कोई गुण प्रधान है, सत्वगुण संपन्न अपने रूप में करेगा, रजो जिनमें रजोगुण बढ़ा वो अपने रूप से करेगा, तमोगुण जिससे बढ़ा वो अपने रूप से करेगा, ये तीनों गुणों वाले अपने अपने रूप से कर्तव्य कर्म करते जाएंगे। मेरे सज्जनों और मेरी अच्छी देवियों, इनके अपने अपने फील्ड होंगे, करेंगे जरूर, लेकिन सत्वगुण संपन्न बाधित ही जाता है, जिनमें सत्वगुण की अधिकता प्रचुरता है वो बाधित ही जाती है, उनका मन शांत रहता है, अपने कर्तव्य कर्म को तो करेंगे। आपके मन में भ्रांति है कि वो कर्तव्य छोड़ के आए नहीं, अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। भगवान ने जहां तक घोषणा की है
कि अगर कर्म छोड़ देगा तो शरीर का रहना भी नामुमकिन हो जाएगा, शरीर का रखना भी मेरे देवियों हमारे लिए असंभव। अगर हम कर्म का तिलांजलि दे देते हैं, अगर हम कर्म को छोड़ देते हैं, हमारे लिए बिल्कुल असंभव है अपने शरीर को रखना भी। तो भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने स्पष्ट कहा है जो है करके अमल सी गए बेहतर अमल, कर्म छोड़ देने की अपेक्षा कर्म करना बड़ा अच्छा। लेकिन एक बात है, कर्म किया जाए जैसे भगवान जी बता रहे हैं, जो कला हमारे प्रभु समझा रहे हैं, जिस कला से भगवान जी ने हमें बताया तो उस कला को रखकर फिर जीव का लोक परलोक बनता है और ऐसी आला अच्छी बुद्धि जीव को बंधन से निकालती जाती है, उसका मन बिल्कुल स्फूर्ति वाला बन जाता है, कोई बोझ नहीं उसको प्रतीत होता। जैसे आप अनुभव करती जा रही होंगी जरूर, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप अपने अंदर गोता मारिए, कहां गलती हो रही है, कहां भूल हो रही है, क्यों मेरा जीवन साफ सुथरा नहीं बन रहा, क्यों मेरे जीवन में हल्कापना, उदासी और निराशपना और अजीब किस्म की दशा, क्या कहां गलती हो रही है। जीव खुद देखे, खुद बार बार अंदर गोता मारे कि महाराज जी का उपदेश इतना आला, गीता का उपदेश इतना चोटी का है और मैं बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए आता हूँ, मुझसे कहां कमी हो रही है, कहां मैं गलती कर रही हूँ, मेरे में क्या भूल मुझसे क्या हो पा रही है, कि क्यों नहीं मेरे पर प्रभाव पड़ रहा, क्यों मेरे संकल्प विकल्प जो है जहान संबंधी संसार संबंधी कम नहीं हो रहे। वरना तो भगवान कहती है ऐसी बुद्धि जिसको भगवान कृपा से ये पता लग गया वो बंधन से छुड़ाती जाती है। सब प्राणी पदार्थों को जो हमें समाज में नजर आते हैं भगवान की अमानत समझते हैं देवियों, जैसे आप अनुभव करते जा रहे हैं, सब भगवान की अमानत है, शरीर भी भगवान की अमानत है, उन्हीं ने बख्शा है हमारी अपनी मांग के अनुसार वासना है और कामना को पूरा करने के लिए चंद दिनों के लिए है, उसके बाद इसने चला जाना है, इसने रहना नहीं है, अपने दिन मुकरर करवा के भगवान से लाया, ये भाव मन में रखते हुए वह फिर जीव के बंधन छूटते जाते हैं। सबको भगवान की अमानत, शरीर को भगवान की अमानत, तो जीव के पल्ले क्या रहा, भगवान के नाम पर कर्तव्य कर्म करना। और कर्तव्य कर्म हर एक एक जैसे नहीं होते, हर एक के कर्तव्य कर्म जुदा जुदा होते हैं, हर एक के कर्म अपने अपने होते हैं, हम दूसरे की नकल नहीं कर सकते वो ऐसा कर्म है, नो कदापि नहीं। हमने अपने क्षेत्र में रहकर, हाँ हमारी फीलिंग एक है भगवान के नाम पर, हमारी उत्तम भावना ये देवियों एक होगी भगवान के नाम पर, मुझे जो कुछ भी करना है अपने मालिक को रिझाने के लिए, अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए, इससे क्या होगा, संसार की बेबूदी होगी, संसार की डेट्रीमेंट होगी, संसार काम पूरा कर नहीं सकते, संसार का भला ही भला होगा। क्योंकि बुराई तब होती है जब हमारे में स्वार्थ हो, संसार का बुरा तब होता है जब हमने उल्लू सीधा करना हो या हमारे में वासना हो उसको पूर्ति करनी हो, जब ना वासना ना कामना ना कोई स्वार्थ, तो फिर जो कुछ भी करेगा सबकी भलाई में कहां रहे, जो कुछ भी उसको बौद्धिक मानसिक और शरीर रूप से होगा वो सबकी भलाई के लिए होगा। अति उत्तम मेरे देवियों, इसको मेरे भगवान करे, ऐसी मुसफ्फा बुद्धि, ऐसी मर्जी बुद्धि जीव को बंधन से छुड़ा देती, जीव को बंधन से निकाल लेती है। बार बार देखी बड़ी सीरियसली और सिंसियरली बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपनी पैनी दृष्टि से काम लेते हुए अपने आप को देखते रहे, बार बार देखते रहे, इतना अच्छा अवसर मेरे प्रभु ने मुझे और आपको बख्शा है, पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें, अपने में सत्य और पक्के रहते हुए निकलते चले, बढ़ते चले, क्योंकि आयु के दिन मोस्ट लिमिटेड है, जितना अपना वश चले अपने आप को लगाते चले, अपने आप को समझाते चले कि मैंने करना वही है जो मेरे भगवान ने बताया, मैंने उसी तरीके से बुद्धि में ये एक दृढ़ निश्चय, अविचल विश्वास, अविचल श्रद्धा और निष्ठा बन जाए कि मैंने लगना उसी तरह जिस तरह मेरे भगवान ने कहा है, बस इस जीव से बंधन भगवान जी कह रहे हैं छूट जाते हैं, बंधन निकल जाते हैं, संस्कार कम, संकल्प विकल्प कम, मन में शांति, मन बिल्कुल प्रशांत हो जाता है, मन में कोई परेशानी जो है नहीं रहती, किसी प्रकार की चिंता दामनगीर नहीं होती, मन अपने आप में बिल्कुल टिका हुआ, इसे कहेंगे पूर्ण अंतर्मुखी, इसलिए शब्द लगाएंगे पूर्ण अंतर्मुखी, ऐसे प्रभागी जीव, ऐसी मेरी प्रभागी माता और बेटियां पूर्ण अंतर्मुखी हो जाती है, बिल्कुल ही अपने आप में, यानी अपने शांति का मरकज या शांति का केंद्र वो बाहर नहीं बनाते, सदा ही अपने शांति के केंद्र अपने भीतर रखते हैं, यानी महाराज जी के लिए ही अपने आप को लगाते रहते हैं, तब बंधन छूट गया, तब बंधन नहीं है। बंधन तो जीव के होते हैं जब वासना कामना में जुटता है, जिसके लिए मेरे भगवान ने कहा अवस्था उम्मीदें अवस्था अमल अवस्थ इल्म उनका समझ में खलल, जिनकी समझ में खलल है, गंदी कामनाएं हैं, गंदी इच्छाएं गए, व्यर्थ के धंधे हैं, व्यर्थ के उबाले गए, व्यर्थ के अंदर वासनाएं और कामनाएं उठती हैं, ऐसे जीव हलचल में मचते हैं, ऐसे जीव अपने अंदर की विशेष प्रकार की भटकन पैदा कर लिया करते हैं, और जिनका मन बिल्कुल प्रशांत है, टिका हुआ है भगवान की ओर, इंक्लाइंड है, ऐसे के बंधन कटते जाते हैं हजूर की कृपा से, दिन प्रतिदिन उनके बंधन और अपने आप में एक विशेष प्रकार का अनुपम उल्लास का अनुभव करते हैं,
अनुपम खुशी का अनुभव करते चले जाते हैं ऐसे नहीं जीवन। तो बुद्धि कौन सी शानदार जीव को बंधनों से छुड़ाए और भगवान के लिए तैयार करे, भगवान के दर्शनों के काबिल बनाते चली जाए। क्योंकि बुद्धि ने बताना है मन को, बुद्धि ने गाइड करना है मन को, मन ने गाइड करना है बाहर के अंगों को। बुद्धि ने बताना है करना है क्या और न करना है क्या, निर्णय। क्योंकि ये निर्णात्मक शक्ति है, डिटरमिनिंग फैक्टर है, हमारी बुद्धि जो है ये निर्णय देने वाली है। इसने पग पग पर निर्णय देना है, मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं। इसी में इंसान की इंसानियत छुपी पड़ी है मेरी देवियों और सज्जनों, क्या करना है क्या नहीं करना बताती रहे। जैसे मानो किसी हम धर्म स्थान पे जाते हैं तो वहां से कोई सज्जन पुरुष मिल जाती है एज ए गाइड, मैं आपको हर स्थान पे दिखा दूंगा, कुछ मेरी थोड़ी सी मेरी सहायता कर देना। तो एक एक स्थान पर जाकर हमें बताता जाता है, परिचय देता जाता है। इस तरह बुद्धि ऐसी भगवान की कृपा से साफ हो कि मन को बार बार बताती जाए ये करना है ये नहीं करना, इसमें अपने आप को लगा देना, इससे अपने आप को विड्रॉ कर लेना, ऐसी जो बताती जाती है भगवान कहते हैं उसके बंधन छूटते जाते। जब श्री चरणों में आन पड़े अब बंधन हमारे टूटेंगे। जब जीव श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाराज जी के चरणों में आ जाता, जब पूर्ण श्रद्धा में देवियां भगवान के चरणों में दिखाती है, लाजमी तौर पर बंधन उनके टूटते हैं, उनके बंधन रहते नहीं। अर्थात आंतरिक जो आवरण है वो और भी कम, जो जो आवरण कम होंगे एकाग्रता बनने लग जाएगी, जो जो आवरण बढ़ते जाएंगे संकल्प विकल्प बढ़ते जाएंगे, राग द्वेष बढ़ता जाएगा, मन की भटकन बढ़ती जाएगी, मन में परेशानी और हैरानी दिन प्रतिदिन घर करती जाएगी और बढ़ जाएगी। और इसके उलट या सुलट जो जो ये उतरते हैं भगवान का चिंतन होता है और जी महाराज जी के लिए अपनी जिंदगी को रखता है तो आवरण और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम, तो अवस्था वो बन जाती है जो भगवान जी ने हमें स्पष्ट रूप में कहा है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। तब जीव का सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनिया। तब जीव बिल्कुल प्रशांत संसार से उपराम हो जाता है, संसार की बातों और घातों से अपने आप को बिल्कुल उपराम कर लेता है। ऐसी प्रभाकर देवियां अपने आप को और भी उपराम और भी उपराम और भी उपराम, उनका लक्ष्य मात्र भगवान की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति उनके उपदेश के माध्यम से, उनके ज्ञान के मीडियम से। जब इस प्रकार जीव जुड़ता है बस शांत है, अपने आप में सुस्थिर पाता है कि वो सुस्थिर उस कलयुग में हमारे सताज जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण कह रहे हैं बंधन उसकी बुद्धि सराहनीय है, क्यों उस बंधन से निकालती जा रही है। अब वो किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं मानता, शरीर को भी अपना नहीं मानता, केवल मात्र भगवान को अपना समझता है। भगवान के लिए उसका रोम रोम कह रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव जो है बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है, जैसे कहते चाहिए कोई फर्जी बात नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये यथार्थता है वास्तविकता है। तो अपने भगवान को समझता यही मेरे सर्वस्व है, ऑल इन ऑल इन एवरी रिस्पेक्ट दिस वे आर दैट वे, भगवान ही मेरे सर्वस्व है। सजनों और कल्याणकामी मेरी माता और बेटियों, जब ये भाव जागृति हो जाते हैं, जब ये भाव मन में गहरे उतर जाते हैं, जीव के बंधन रह नहीं सकते। जीव अपने आप में ही प्रसन्न होता हुआ अपनी जिंदगी के दिन मालिक के अर्थ काटता जाता है। ऐसी बुद्धि को भगवान क्या कह रही है, प्रशांत बुद्धि, विवेकिनी बुद्धि, ऐसी बुद्धि को कहेंगे अकले इम्तियाजी वाली बुद्धि, अकले सलीम, जिनके ये अवस्था बन गई है, जिनके ये भाव बन गए हैं, उनके बंधन और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम। आखिर में अवस्था क्या बनती है, भगवान के बंधन मोक्ष, जो जीव को मोक्ष दिला दे। मोक्ष का मतलब जिनका सूक्ष्म शरीर अब इस स्थूल शरीर से बाहर नहीं जाएगा। सूक्ष्म शरीर किनका जाता है, जिनकी अभी वासनाएं हैं कामनाएं हैं, भगवान का वो फरमान हमारी आंखों के सामने है, जो कभी कभी आप बैठ के सोचते होंगे, वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवा, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास, जैसे वायु का झोंका आता है और फूलों की वास लेके आगे निकल जाता है, इस तरह जब काल का झोंका आता है जोर का तो जीव के सूक्ष्म शरीर को निकालता हुआ बाहर निकल जाता, स्थूल रह जाता है, लेकिन जो छाया की तरी गए वो वासनाओं का पुतला है, कामनों का पुतला, उसकी वो जो कामना है वो फिर पूरी होती है, एक तन में दाखिल एक से जुदा, वो दूसरे में प्रवेश करता है एक को छोड़ जाता। और जब अवस्था बन जाती है कोई कामना वासना इच्छा लेना देना नहीं, अपने भगवान में टिका हुआ है, भगवान के लिए जिंदा है, भगवान के लिए कर रही है, सब कुछ उनके लिए है, उनके लिए मेरे भगवान ने फिर कुछ और ही कहा है, जो इंसान करे ख्वाहिश है दिल के लिए, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हाथ से ले दिल उसका तेर, यही गए
मकाम वसाले खुदा। भगवान के दिव्य दर्शनों से पहले मानसिक अवस्था ऐसी आदर्श बन जाती है, ऐसी सराहनीय बन जाती है, बिल्कुल शांत परेशान अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, अपने आप में टिक जाते हैं, उनकी अवस्था फिर अपने आप में रह जाती है। जरा भर भी वो अपने से बाहर नहीं जाते, अपना खुशी का केंद्र, अपने कल्याण का केंद्र वो यहां तहां वहां नहीं बनाते, मां सिवा भगवान के वो कहीं भी नहीं। ऐसी अच्छी अवस्था जो बुद्धि बनाए, मन को समझाती रहे, अब वो बंधन और जो मुद्दन से निकल गए और मोक्ष के निकट दिन प्रतिदिन आते चले जाते हैं। ऐसे जीव सदा के लिए शांत हो जाते हैं। अपने आप को देखने के लिए जब भी आप एकांत में रहें या अपनी रात्रि को विश्राम करने से पूर्व आप विचार कर सकते हैं आपका मन कहां है, क्या आपका मन अपने आप में रहता है। जब भी आप बिल्कुल एकांत में जाते हैं और बैठती हैं, आपके नजदीक कोई भी नहीं होता, आप और आपकी चारपाई या आप और आपके इष्टदेव, तब अपने आप को टटोल सकती हैं कि मेरा मन कहां है। शारीरिक रूप में तो मैं कमरे में हूं, मानसिक रूप में मैं कहां हूं, क्या मेरा मन आप में है, अपने में, चिंतन में, भगवान के चिंतन में है, तब तो आपके आप बाजी ले गए, तब मेरी उपस्थित कल्याण कामनी माता बेटियां बाजी ले गई, तब आप एडवांस हो गई। जिनका जहां शरीर है वही मन है, आमतौर पर होता है हाजर में गैर हाजर, चित कहीं तो बुद्ध कहीं, शरीर कहीं और मन इधर उधर भागता फिरता। ऐसे जीवों को बड़ी निगरानी करनी चाहिए और बड़ी सावधानी पूर्वक महाराज जी की वाणी को लेकर अपने आप को टटोलना चाहिए, अपना निरीक्षण यानी अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खुद करनी चाहिए, देखनी चाहिए कहां भूल हो रही है, क्यों मेरा मन मेरे में नहीं रहता, क्यों मेरा मन अनुपस्थित रहता है, क्यों मेरा मन तन के अंदर नहीं रहता। वास्तव कामने भरी पड़ी हो तब मन के घोड़े दौड़ेंगे, ख्यालों के घोड़े दौड़ेंगे, और जो पूर्व सच्चाई के पुतले बनते हुए बिल्कुल सच्चाई के साथ भगवान की वाणी को अपना रहे गए, उनका मन का घोड़ा प्रशांत रहता, उनका मन बिल्कुल शीतल होकर रहता, बिल्कुल ही अपने आप में रहता है। भगवान कहते हैं क्या कहने ऐसी बुद्धि के जो जीव को बंधन से निकालकर मोक्ष की ओर ले जा रही है, जीव को इन तंत्रों से छुड़ाकर हजूर की ओर लिए जा रही है, मालिक की ओर लिए जा रही है। कहा वो अवस्था जो मेरे भगवान ने कही, वो खुद काम है कामनाओं में मस्त, वो जन्नत की ताले में जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं दिल पे काबू नहीं, के अकले इरादे ही यकसू नहीं। बात फिर वही अकल पे आ जाती है, क्यों उनकी यह अवस्था बनी, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार का कुसंग जिसके प्रतिक्रिया रूप उनके मन में हलचल मचती रहती है, और परेशान ख्याली से आए ना सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख, परेशानियां बनी रहती है, मन में हैरानी बनी रहती है, दिन हो या रात परेशानी हैरानी परेशानी हैरानी, क्यों भगवान से मार्ग से भटक गए, भगवान के उच्च कोटि के फरमान से उन्होंने अपने आप को हटा लिया, इसलिए वो हैरान है परेशान है, इसलिए ऐसे जीव अपने से बाहर है, हैरानगी में अपने दिन काटते रहते हैं, जो महाराज जी के अनुसार सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली लगे हुए परेशान अपने आप में खुश, उनके लिए भगवान कहते हैं बंधन से उनको बुद्धि छुड़ाई जा रही है, उनके विवेकिनी बुद्धि उनको बंधन से हटाकर मोक्ष की ओर लिए जा रही है, वो मालिक की जात में तलीन होते जा रहे हैं, वो उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े काम करते हुए भगवान के साथ रहते हैं, उन्होंने भगवान के इन शब्दों को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना लिया है, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी ना गुजरेगी असियान में, जरा फिर भी वो अपने आप को इधर उधर नहीं जाने देते, अगर जाते हैं तो भगवान का उच्च कोटि का फार्मूला हमारे साथ है, ये भाग्य तो भाग्य की झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे, भगवान ने तरीके साथ साथ बताए गए, अगर मन मुंतशिर होता है, अगर मन में विक्षिप्तता आती है, अगर मन में टॉसिंग और वेवरिंग होती है, तो भगवान ने बताया तत्काल भगवान की चिंतन में, जो कई सारे संसार का सार, अर्थात जैसे कि मनी आपके घर में नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन है, कभी आपका मन प्राप्त की ओर जा रहा है, कभी आपका घड़े में, कभी मटकी में, कभी सुराही में जा रहा, तो वहां पर हमारे भगवान बताते हैं कहां जा रहे, महाराज ये प्राप्त कितनी अच्छी, ये मिट्टी का दीवा कितना अच्छा, ये मटका कितना अच्छा, बोल रहे नहीं इसके सार में जाओ, मिट्टी का सब बने हुए, ये तो घड़े सब मिट्टी के हैं, जितने भी ये बर्तन है मिट्टी, जब हमने सार देखा तो नाना प्रकार के रूपों से मन उपराम हो जाता है, इस प्रकार संसार के नाना प्रकार के नाम और रूप का सार परमात्मा जो इसके बैकग्राउंड में गए, जिससे सब कुछ बना, वही जात जिससे खुदाई हुई, वो जो सारे जहां पे अचाई हुई, जिससे ये बना मटीरियल है, जो इसका बैकग्राउंड है, जैसे सारे मिट्टी के बर्तनों का बैकग्राउंड मिट्टी है, सारे लोहे के बनी हुई चीजों का बैकग्राउंड लोहा है, सारे देवरों या ऑर्नामेंट के पीछे सोना है, इस तरह सारे संसार के पीछे जो उनका मटीरियल और एफिशिएंट कॉज है वो क्या है, भगवान जी, जो इसके बैकग्राउंड में जिससे ही सारा कुछ बना, जिससे
जो इन सारों को बना रहा है, रच रहा है और फिर आपस में अपने में वापस लिए जा रहा है, मैंने उस प्रभु का चिंतन करना है। तो कहे मुझको परमेश्वर की गवाह, कौन से परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिन्हें सारी सृष्टि को रचा है। भगवान कृष्ण का फरमान कभी ना भुलाया जाना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और मन में रखकर इसके अनुसार जीवन डालते रहना चाहिए, इसके अनुसार जीवन बनाते दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन और बनाए और बनाए और बनाए और कोशिश करें, देखेंगे कसरे तो भगवान से हार्दिक प्रार्थना करें, भगवान से जोरदार प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपना जीवन आपके अनमोल एवं अत्यंत कल्याणकारी कथन के अनुसार बनाऊं डालूं। हम बार बार देखें, टाइम एंड अगेन देखें, बार बार देखें अपने मन को, बार बार भगवान से ताकत ले दें और बनाने की पूरी कोशिश करें। तब भगवान कहते हैं ऐसी मुसफा बुद्धि, ऐसी शानदार बुद्धि जीव को बंधनों से निकालती जा रही है, बंधनों से आजाद करके कहां ले जा रही है? मोक्ष की ओर कहां ले जा रही है? भगवान की जात में एक में कर रही है, जैसे गंगा भागती दौड़ती हुई अपने आप को मोक्ष की ओर जा रही है, साथ जहां से आई थी उसी सागर में तलीन होने जा रही है, उसी में वापस। इस तरह जीव भगवान के अनुसार अपना जीवन गुजारता हुआ, भगवान का ही उच्चकोटि का निर्णय बुद्धि में रखता हुआ, भगवान के विचार रखता हुआ और भगवान के लिए सब प्रकार के कार्य करता हुआ, आखिर में होगा क्या? भगवान का अटल नियम, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। जिंदगी भर जिसका बार बार चिंता रहा, जिधर मन का झुकाव हुआ उन्हीं में तलीन हो जाता। सोचने वाली बात, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, बार बार विचार करने योग्य, जिसमें उसने वृत्ति लगाई है उसी जात में तलीन, उसी में वो एक में कोई गुट, बार बार उसी के चिंतन में। जब निर्णय भगवान का मैंने गुजारिश की, विचार महाराज जी के मन के अंदर और इस शरीर द्वारा कार्य भगवान के लिए हो गए, तो महाराज जी बड़े गहरे उतर जाती है, भक्ति बुलंदी की ओर दौड़ लग जाती है, बुलंदी की ओर जुड़ जाती है, लग जाती है, लंबी उड़ानियां मारती है। भक्ति के बाद जब बुद्धि मन और तन के कार्यों में महाराज जी का ही चिंतन चल पड़े, बेड़ा पार, फिर वो बंधन कटते हैं, फिर ऐसे बंधन ही रहते। जब भी फुर्सत घड़ियां मिला करें, जरूर एकांत में बैठकर जब भी आप फुर्सत पाए विचार करें, दिन प्रतिदिन में बंधन, मेरे बंधन कट रहे हैं या नहीं, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करो, वो हमारे अंतर्यामी है। जब उन्होंने ये वचन दे रखा है मेरे पास, जिस रात ये लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपने पास, जब प्रभु ने ये वचन दिया है, हमारा परम धर्म है भगवान के इस वचन का सदुपयोग करना, उसकी गुड यूज करना, यह मेरा और आपका परम धर्म है। महाराज जी ने कहा अगर देखते हैं कि कमी होती भगवान से प्रार्थना करें, महाराज जी से जोरदार प्रार्थना करें, जब हजूर ने यह कहा है तो उनसे जोरदार प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो कि महाराज हमारी बुद्धि ऐसी बने जो हमें बंधन से छुड़ाए। ये जो हम गायत्री मंत्र बार बार बोला करते हैं, ये हमारे भारत में जिसकी बड़ी चोटी की कदर है और बड़ी महिमा है, उसका अर्थ भी यही आता है, देव जो ना प्रचोदयात, आखिर में जो तो पहले तो भगवान की महिमा गाई गई, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरे नियम, यहाँ तक भगवान की महिमा गई, सारे व्यक्ति में सारे भगवान के विशेषण है, उसका जी मांगता क्या, दियो यो ना प्रचोदयात, प्रभु हमारी बुद्धियों को विवेकिनी बना दो, दियो यो ना प्रचोदयात, ना मैंने सब कहे, हम सबकी बुद्धियों को विवेकिनी बनाओ, जो उचित अनुचित कार्य अकार्य और सार असार का निर्णय करते हुए उचित की तरफ बढ़ चले, मोक्ष बंध से हटकर मुक्ति की ओर अपने आप को लगा चले। हमारे यहाँ जो प्रार्थना मानी जाती है, इसलिए बड़ी छोटी की, समसोमा ज्योतिर्गमय है, प्रभु मुझे अज्ञान का रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी रोशनी में ले चलो। ये जो महाराज जी का फरमान है, ये बार बार इसीलिए ताकि जीव अपना कल्याण कर जाए। चार दिन जो भगवान से मांग के लाए गए, और हम लोग जो कल्याणकामी जीवन है, हम लोग जो मेरी माताएं बेटियां भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेकर के उपस्थित होती है और कल्याणकामी बनती है, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी क्या अनिवार्य है कि अपनी बुद्धि को मुसफ्फा करना, अपनी बुद्धि को शानदार बनाना, अपनी बुद्धि को विवेकिनी बना लेना, यानी डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट बनाकर डिस्क्रिमिनेट करते हुए उचित को अपने जीवन का अंग बनाना और इस सारी सृष्टि के सार परमात्मा की ओर झुकते जाना और झुकते जाना, तब हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से गुणशिक्षा हुए, ऐसी बुद्धि शानदार है जो जीव को बंधन से छुड़ाकर मोक्ष की ओर जा रही है। ये अच्छी बुद्धि का अंतिम शानदार गुण है। पहले का प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, फिर का बंध क्या, फिर उसके बाद का कार्य का, अकार्य का, फिर भगवान ने कहा भय क्या, निर्भय होना क्या, आखिर में कह रही है इसका लक्षण बताते हुए अच्छा बुद्धि का क्या, बंध क्या और मोक्ष क्या, क्या बंधन है और क्या मोक्ष है, इस पे बार बार विचार किया करें। ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही गजब दो प्रश्न, बड़े कमाल के धर्म के अंदर, कार्य अकार्य बंध और मोक्ष, ये धर्म का परम कर्तव्य है और गीता इसमें सुचारू रूप से सफल हुई है ये बताने में, कार्य क्या, अकार्य क्या, बंधन क्या और मोक्ष क्या। इस पर बार बार विचार करें क्या मुझे करना है और किन से मुझे बुद्धि और मन और तन को छुड़ा लेना, कौन से ऐसे कार्य जिससे मेरा लोक परलोक बनता है और कौन से ऐसे कार्य जिससे मैं बंधन से छूटकर भगवान की ओर तलीन होकर के मुक्त हो जाता हूं, यानी आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट जाता हूं।
अपने आप को मैं स्वतंत्र करने में कामयाब हो जाती हूँ। सोचो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे विचारशील नेक भाइयों, बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार गहराई में उतर जाओ। कैसा तो मैंने कर दिखाई है, जब भगवान ने हमें शुभ अवसर दिया, प्रभु ने इतना आला मौका दिया हम लोगों को, इतने लंबे समय से हमारा परम धर्म हो जाता, क्या ऐसा कर दिखाएं, अपनी बुद्धि को इतना शानदार बना लें जो बताती रहे बंधन ये है, मोक्ष ये है, बंधन ये है, मोक्ष, बार 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 टाइम एंड अगेन अपने आप को बताते रहिए, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, टाइम एंड अगेन बताना चाहिए अपने आप को। भगवान आपको शक्ति दे, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, माताओं बेटियों, हमारी बुद्धि इतनी तेज हो जाए जो पग पग पे बताए बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद, आशीर्वाद।